कौन करता है ज्यादा मेहनत, अमित सैनी रोहतकिया या फिर गुलजार छानेवाला? दोनों ही एक बेस्ट कलाकार है, दोनों ही हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट कलाकार है तथा आज हम इन दोनों के बारे में बात करने जा रहे हैं तथा देखेंगे कौन ज्यादा मेहनत करता है, किसके ज्यादा गाने हिट होते हैं तथा कौन ज्यादा रुपए कमाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करें अमित सैनी रोहतकिया की तो ये महीने में 2 से 3 गाने आराम से दे देते हैं, कभी कभी ये आंकड़ा 5 से 6 भी चला जाता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके गाने की स्पीड। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि अमित भाई कितनी मेहनत करते हैं, 1 महीने में 3 से 4 गाने देना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। 5 से 6 गानों की अर्निंग भी आप देख सकते हो, उस हिसाब से अमित भाई की कमाई भी होती है। अमित भाई के लगभग सारे गाने हिट ही जाते हैं। बात करें गुलजार छानेवाला की तो यह 2 या 3 महीने में 1 गाना देते हैं तथा इनका यह गाना बहुत ही सुपर हिट जाता है। इस बार फील ज्वेलर्स आया, उससे पहले 1-2 गाना है जिनमें उत्तराखंड के राजा बहुत ही शानदार चला था। ये गाने 2-3 महीने से देते हैं लेकिन बहुत ही धाकड़ देते हैं, जिससे इनकी अर्निंग भी बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है। साथ ही साथ इन्होंने अभी एक मूवी भी की है, तो इससे आप इनकी मेहनत का भी अंदाजा लगा सकते हो। आप कमेंट करके अपने फेवरेट सिंगर का नाम बताएं, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, अमित सैनी रोहतकिया या फिर गुलजार छानेवाला को? तथा इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।